फ्रेंड्स, अपने कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ करेले की सब्जी की रेसिपी। नॉर्मली जो करेले की सब्जी है हम कम बनाना पसंद करते हैं क्योंकि वो कड़वाहट देते हैं, पर आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ उससे जब आप करेले बनाओगे तो वो कभी भी कड़वे नहीं होंगे और सब चाव से खाएंगे। तो यहाँ मैंने करेले ले रखे हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, तो चलिए अब हम इन्हें काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं इस तरीके से इन करेलों को काट रही हूँ, मैं इनको पतला पतला काट रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनको काट लिया है। अगर जब बीज हार्ड है तो आप उन्हें निकाल सकते हो, जो सॉफ्ट बीज है उनको आप ऐसे भी बना सकते हो। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे करेलों को काट लूंगी। तो यहाँ मैंने सारे करेले जो है काट लिए हैं, जिन जिन के बीज हार्ड थे वो मैंने निकाल लिए, जिनके सॉफ्ट है उनको नहीं निकाला है। तो चलिए अब हम करेले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं इसमें 2 से 3 चम्मच के करीबन तेल डाल रही हूँ। तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरे को हम जो है अच्छे से चटकने देंगे। तो यहाँ जो है जीरा बिल्कुल अच्छी तरीके से चटक चुका है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज जो है 2 मीडियम साइज के प्याज जो है मैंने ऐसे काटे हुए हैं लंबाई में। तो अब हम सबसे पहले जो है प्याज को 2 से 3 मिनट इसी तरीके से भून लेंगे तेल में। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ करेले। अब करेलों को हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट हम इसको इसी तरीके से मिलाते रहेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ हमने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे जो करेले हैं वो लगभग 80% जो है ऐसे ही पक चुके हैं। मसाले आपको इसमें लास्ट में डालने होते हैं, आपको पहले इसको तेल में इसी तरीके से पका लेना है, क्योंकि अगर आप पहले मसाले डाल दोगे, नमक डाल दोगे, तो जो करेले हैं वो पानी छोड़ देंगे, जिससे जो है आपकी सब्जी में वो कड़वाहट दे देंगे। तो अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाल दी है। तो इसको अब हम मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारे करेले जो है मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको जो है ढक दूंगी लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, ताकि अब ये मसालों के साथ 10 मिनट पक जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारे करेले जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इसको हम सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो अगर आप इस तरीके से करेले बनाते हो तो आपके जो करेले हैं वो कभी कड़वाहट नहीं देंगे और आपकी जो सब्जी है वो कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।